हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाने के शौकीन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हांडी करी, जिसके लिए मैंने लिया है ये हांडी। इसे अच्छे से भिगो कर रखा है एक दिन तक और घी का लेप लगा लिया है। घी का लेप लगाने से क्या होता है, जो इसके पोर्स होते हैं वो फिल कर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम कढ़ी बनाना। तो सबसे पहले हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। पाँच से छः टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। तो अब हम लेंगे एक बाउल में बेसन। मैंने लिया है 6 टेबलस्पून बेसन। इसमें हम मिक्स करेंगे 2 से 4 पिंच हल्दी, 2 से 4 पिंच मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और है ये मंगरेला और अजवाइन। इसे इस तरीके से ऐसे हथेली से इसे मैश करके डालें। इससे क्या होता है, अजवाइन और मंगरेले की जो खुशबू होती है अच्छे से आती है। और एक चुटकी बेकिंग सोडा, और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। और हम पानी ऐड करेंगे। पानी अपने हिसाब से इसे इसमें डालें और अच्छे से इसे मिक्स करें। तो ये देखिए, इस तरीके से हम ऐसे इसकी पकौड़ियाँ बना लेंगे। ऐसे इस तरीके से इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे तलें। देखिए इस तरीके से हम ऐसे इसे दूसरी तरफ भी इसे ऐसे पलट लेंगे। फ्लेम को हाई टू मीडियम पे ही रखेंगे। और बीच बीच में इस तरीके से ऐसे चलाते रहें। ऐसे ऐसे चला लें। ये हमारी पकौड़ियाँ जो है तल गई है। अब हम इसे निकालेंगे। अब हम एक बर्तन में इसे ऐसे निकाल लेंगे। इसमें एक कटोरी बेसन और एक कटोरी खट्टी दही मिलाया है। अब इसमें मैं मिक्स करूंगी। आप अपने कढ़ी के अनुसार पानी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए इसे ऐसे फेंट ले। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, और इसमें हम और ऐड करेंगे 2 से 4 पिंच हींग। और इसे ऐसे
ये देखिए इसे इस तरीके से हम फेंट लेंगे। तो जिसमें मैंने पकौड़े तले थे इसमें ही मैं कढ़ी बनाऊंगी। अब हम गैस को ऑन करेंगे। ये देखिए हमारा तेल गरम है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सरसों, ये 4 से 5 गोल मिर्च, 2 से 4 पिंच हल्दी पाउडर, 2 से 4 पिंच मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे, और 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। और इसे इस तरीके से ऐसे मिला लें। 1/2 टीस्पून हींग, और इस तरीके से हम इसे मसालों को सॉटे कर लेंगे। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे तरीके से भून गए हैं, और अब हम इसमें अपनी जो कढ़ी बनाई थी इसे ऐड करेंगे। हम फ्लेम को हाई रखेंगे, इस तरीके ऐसे इसे चला लेंगे क्योंकि हमारी कढ़ी इस तरह से हांडी में चिपके ना। तो ये देखिए हमारे कढ़ी में एक बॉयल आ चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो ये देखिए कढ़ी में एक बॉयल आ चुका है। हम अपने पकौड़ियों को इसमें डाल देंगे ऐसे, और इस तरीके से इसे ऐसे मिला दें और फ्लेम को लो कर दें। लो फ्लेम पे ही कढ़ी अच्छी बनती है। तो ये देखिए हमारी हांडी कढ़ी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमारी हांडी कढ़ी बनकर तैयार है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, और ये रेसिपी कैसी बनी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।